Okay, we are back. Did you get to hear about the X-ray point? Raised dot वाली बात आप लोगों को आ गई थी? सर आधी क्लियर हो गई, आधी रह गई, so better if you restart it. अच्छा, ये raised dot site जो है ना, basically ये आपको ये बताती कि किस तरफ जो है lead foil नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? Lead foil की साइड अगर आपने टूथ की तरफ कर दी तो फिर उसके थ्रू एक्सरे बीम्स नहीं पास कर पाएंगी, और आप अगर ऐसा एक एक्सरे डेवलप करोगे तो उस पर आपको पैचेस पैचेस से नजर आएंगे, वो क्लियर एक्सरे नहीं होगा बिकॉज एक्सरे बीम्स कैन नॉट पास थ्रू लेड, ठीक है ना? तो रेज डॉट आपको बेसिकली ये बताइए कि किस तरफ लेड फॉइल नहीं पड़ा हुआ, तो इस साइड को आपने टूथ की तरफ रखना है, ठीक है? Another way of telling कि रेज डॉट किस तरफ है या लेड फॉइल किस तरफ है, तो लाइक आई सेड जिस साइड पे आपको इस तरह मल्टी कलर्ड पैच, मल्टी कलर्ड होता है एक्सरे का पैकेट, या जिस तरफ ये आपको ये एनवेलप टाइप ओपनिंग जो नजर आ रही है, ये जिस साइड पे आपको नजर आएगी इस साइड पे आपको लेड फॉइल मिलेगा, तो ये साइड आपने टूथ की तरफ नहीं फेस करवानी, ठीक है ना? आपने ये वाली साइड फेस करवानी है टूवर्ड्स द टूथ, क्योंकि इस साइड पे लेड फॉइल नहीं है और इस साइड पे एक्सरे का वो नहीं है, रेज डॉट है बेसिकली वो किस साइड पे। सर मतलब जो रेज डॉट है वो एक्सरे बीम की तरफ होना चाहिए ना? यस वो एक्सरे बीम की तरफ होगा, और आप नोट करोगे जब भी हम कहते हैं कि भाई आपने एक्सरे को जब भी व्यू करना है तो रेज डॉट आपने अपनी तरफ रखना है, ठीक है ना? तो हम इसी वजह से ही कहते हैं ताकि जैसे जैसे पेशेंट के मुंह में आपने एक्सरे रिकॉर्ड किया उसी तरह वो आपके सामने भी आना चाहिए, ठीक है? I think there was one question to, I think वो previous chat में रह गया था, anybody can repeat that, अगर आप वो दोबारा शेयर कर लें तो मैं आगे चला जाऊंगा। नहीं, डॉट के थ्रू आपको राइट लेफ्ट का नहीं पता लगेगा, अप डाउन का भी आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है? वो आपने जो है उस उसके एक्सरे पे जो लैंडमार्क्स हैं आपके, उनके थ्रू आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप ये मैक्सिला का एक्सरे है, ये मैंडिबल का एक्सरे है। राइट लेफ्ट भी आपको ऐसे डॉट से नहीं पता लगता, लेकिन जब आप डॉट को अपनी तरफ प्लेस करोगे तो आपने वो सीक्वेंस ऑफ टीथ देखना होगा कि यू हैव टू इमेजिन एज इफ ये आपके पेशेंट के मुंह पे आप देख रहे हैं, तो यू विल हैव टू सी कि भाई अगर लेट सपोज यू थिंक कि एक्सरे लेफ्ट का है, लेकिन जब मैं एक्सरे देखूं तो उसमें इस तरह लग रहा है कि पहले मोलर्स आ रहे हैं, उसके बाद प्री मोलर्स आ रहे हैं, उसके बाद के नाइन है, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट का एक्सरे नहीं है। या पेशेंट के जब राइट पे रखोगे तो तब सीक्वेंस ठीक आएगा कि पहले के नाइन आ रहे हैं, फिर प्री मोलर्स आ रहे हैं, और फिर उसके बाद मोलर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये राइट लेफ्ट आपने टीथ की ओरिएंटेशन उससे देखना होगा। अच्छा, ब्लैक पेपर का रोल इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द सिल्वर हेलाइट की इमल्शन, की ये इमल्शन खराब ना हो जाए आपकी, क्योंकि सारा जो एक्सरे की डेवलपमेंट है ना, सारा सब कुछ इमल्शन का काम है, ठीक है? तो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट कि ये खराब ना हो जाए, बेसिकली ब्लैक पेपर का ये काम होता है, ठीक है? सो आई होप दैट इज क्लियर। If it's cleared, so just chat box में लिखते हैं, so I can proceed. Okay, thank you so much. Fantastic. अच्छा, अभी एक यह है एक physics का concept. मेरी तो बड़ी कोशिश थी कि मैं इसमें physics जितनी कम डाल सकूं उतनी डालूं, but since this is important, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल टर्म एस आई कैन। ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज बेसिकली कि आपकी फिल्म कितनी काली हो गई है, ठीक है? एक्सरे फिल्म की पिक्चर अगर आपको याद हो, वो मैंने आपको दिखाई थी, तो इट वॉज ग्रीन, ठीक है? तो अगर आप कोई भी इसी तरह आप खुद ही कभी ये ट्राई कर लें, कभी आप अपने कॉलेजेस जाएं या अपने क्लिनिक्स में जाएं, आप ये एक्सरे का पैकेट खोलें और इसको एक लाइट वाले कमरे में छोड़ दें कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद जब आप आके देखोगे तो फिल्म का कलर अभी ग्रीन से कुछ ना कुछ ब्लैक हो गया होगा, ठीक है ना? तो ये बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो एक्सरे के ऊपर जो इमल्शन है वो एक्टिवेट हो रही है बेसिकली,
ठीक है ना, वो ब्लैक हो रही है. इट मींस इट इज बीइंग एक्सपोज्ड टू सम फॉर्म ऑफ रेडिएशन. आपकी जो लाइट होती है इससे सिर्फ विजिबल लाइट नहीं निकलती, इससे और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस निकलती हैं. तो वो उस इमल्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं. तो इमल्शन जब एक्टिवेट होती है तो वो ब्लैक हो जाती है बेसिकली. सो इट इज बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉग ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, मतलब जो आपकी लाइट कमरे में जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है, और उसको हम डिवाइड करते हैं बाय दैट लाइट डेंसिटी जो उस एक्सरे में से बाहर निकल के जा रही है. ठीक है, तो फॉर एन एक्सरे दिस हैज टू लाई बिटवीन 0.2 टू 2.50. आप 2.5 को भूल जाए, 0.2 पे जरा फोकस कर लें. अगर एक्सरे आपने प्रॉपरली स्टोर किया है तो उस एक्सरे की ऑप्टिकल डेंसिटी 0.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 0.2 से ज्यादा हुई है इसका मतलब है कि आपने एक्सरे को ठीक एक्सपोज स्टोर नहीं किया हुआ, और उस पर जो इमल्शन था वो कहीं ना कहीं से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था, वो एक्टिवेट हो रहा था. ठीक है ना, तो ये अब ऑप्टिकल डेंसिटी की जो है ये स्केल है, इस पर आप देखें गौर करें. तो जितनी डेंसिटी ज्यादा हो रही है, देखें 0.25 से 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3 से लेके देखें, ये स्टेडिली ज्यादा ब्लैक हो रही है. ठीक है ना, तो अगर इसकी ब्लैकनेस इंक्रीज हो रही है, इट मींस इट इज गेटिंग एक्टिवेटेड. एंड फॉर अ स्टोर्ड फिल्म इसको एक्टिवेट नहीं होना, ठीक है, इट हैज टू स्टे एट 0.2 लेवल. तो अगर आपने 0.2 एक्सरे अगर कभी खोलें, उसको देखें, उसका कलर तकरीबन इसके आसपास मैच हो रहा है, तो इट मींस यू आर फाइन. अगर इसके साथ नहीं मैच हो रहा और वो इन बाकी स्केल्स के साथ मैच हो रहा है, इट मींस एक्सरे आपका पहले से एक्टिवेट हो चुका है. तो अगर इसी फिल्म के साथ आप एक्सरे लोगे तो वो ज्यादा साफ या अच्छा एक्सरे नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से डेवलप हो चुका है कुछ ना कुछ. ठीक है ना. अच्छा, डॉक्टर मेरीन रेज्ड हर हैंड. जी डॉक्टर मेरीन. ओह ओके, चलें कोई बात नहीं. ऑल राइट, सो आई होप ऑप्टिकल डेंसिटी इज क्लियर के एक नॉर्मली स्टोर्ड प्रॉपरली स्टोर्ड फिल्म की ऑप्टिकल डेंसिटी 0.2 होनी चाहिए. 0.2 से ज्यादा हुई तो दिस इज नॉट गुड, इट मींस आपने एक्सरे ठीक नहीं स्टोर किया हुआ. ठीक है, अच्छा अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी की. बेसिकली जो आपकी फिल्म की स्पीड होती है ना, वो हम इससे डिटरमिन करते हैं कि एक फिल्म की स्पीड इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिकल डेंसिटी व्हिच इज वन अबव द बैकग्राउंड फॉग डेंसिटी. तो ये जो 0.2 मैंने आपको बताया, दिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड फॉग डेंसिटी. ठीक है, 0.2 इज योर बैकग्राउंड फॉग डेंसिटी. तो इससे आपने इसको वन ऑप्टिकल डेंसिटी अगर आप इसकी ज्यादा करोगे, तब आपका बेसिकली तब आपका एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होता है. और कितना एक्सपोजर देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये बेसिकली आपकी फिल्म स्पीड डिटरमिन करती है. जितना कम एक्सपोजर आपको चाहिए होगा टू raise the optical density of a film from 0.2 to 1.2, utni hi tez film hogi aapki. Theek hai na? Let me just repeat it once more. The jitna aapko kam exposure chahiye hoga to produce and or to increase the optical density of a film from 0.2 to 1.2, to the faster the film will be. Theek hai? To isme 0.2 से हमने जाना है बेसिकली 1.2 तक या उससे ज्यादा. ठीक है, तो द क्विकर इट गेट्स फ्रॉम 0.2 टू 1.2 द क्विकर दैट फिल्म इज कॉल्ड. ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस जी यस डॉक्टर लैला, एक्सरे जिसकी तरफ आप टूथ की तरफ होना है जब होगा तो वो ऑब्वियसली आपकी तरफ भी होगा. ठीक है ना, अच्छा सो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टाइम एंड एक्सरे नीड्स, तो एक्सरे की जो फिल्म स्पीड है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. आपके पास डी स्पीड होती है, ई स्पीड होती है और एफ स्पीड होती है आपके पास. तो इनकी बेसिकली ये कोडेक वालों की वो है, एक्सरे फिल्म मैंने उठाई हुई है तो उन्होंने कलर कोडिंग की हुई है. तो आपने देखा होगा कि यूजली हमारे पास ये ग्रीन एक्सरे फिल्म जो होती हैं ज्यादा आती हैं, ग्रीन पैकेट वाली. तो दिस इज द डी स्पीड वाली फिल्म्स. ठीक है, तो विच आर मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड और ठीक ठाक स्पीड और वो इनकी होती है, एक्सपोजर और क्वालिटी अच्छी होती है.
ये जो बी है ये आपकी ई स्पीड वाली फिल्म है, एंड ये जो एफ है दीज आर योर फास्टेस्ट फिल्म, ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है। ये जो है कोडैक वालों ने आई थिंक कोई प्रोप्राइटरी नेम से इंट्रोड्यूस किया, कोडैक इनसाइट फिल्म्स इनको कहते हैं। तो दीज आर योर फास्टेस्ट फिल्म्स, ठीक है ना, तो इनके लिए आपको एक्सपोजर जो है सबसे ज्यादा कम चाहिए होता है। अच्छा डॉक्टर मेहर नाज इज आस्किंग फिल्म स्पीड उसमें व्हाट लाइक व्हाट इट एक्चुअली इज। इसको चलिए मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एक चीज लेट सपोज खाना आपने खाना है, ठीक है, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो अब आपके पास टाइम नहीं है, लेट सपोज आपने जाना है क्लिनिक जाना है कहीं और जाना है आपने, तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको पता है फ्रिज में पड़ा हुआ है तो दो तीन मिनट तो आपने उसको देने हैं, कल रात से पड़ा हुआ है खाना। आप ओवन में रख देते हो, यू डोंट हैव लेट सपोज टू थ्री मिनट्स, बस आपने फौरन निकल के जाना है, तो आप एक ऐसा ओवन चूज करोगे जो आपको टू थ्री मिनट्स में ही खाना गर्म करके देगा, या एक ऐसा ओवन चूज करोगे जो आपको 30 seconds में ही खाना गर्म करके दे दे, और इसी तरह गर्म करके दे जैसे 3 मिनट वाला करता है। ऑब्वियसली यू विल चूज द वन जो 30 seconds में आपको गरम करके देता है खाना, ठीक है ना। तो दिस इज द स्पीड कि आपने अवन ने सिर्फ 30 सेकेंड में उतनी रेडिएशन खाने को दे दी जितना एक 3 मिनट वाले को देनी होती है, बट जस्ट विद इन 30 seconds। सो योर 30 seconds वाला अवन इज क्विकर एंड योर 3 मिनट वाला अवन इज स्लोअर, ठीक है ना। तो इसी तरह द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जितना आप कम दोगे तो उतना ही ज्यादा सेफ होगा, उतना ही जल्दी आपका ऑब्वियसली एक्सरे भी प्रोसेस होगा, उतना ही कम टाइम वो पेशेंट के मुंह में पड़ा होगा, ठीक है ना। तो आई होप इससे आपको आइडिया हो गया होगा। ऑब्वियसली एफ स्पीड इज बेटर, एफ स्पीड इज द बेस्ट वन, लेकिन जितना ऑब्वियसली आप स्पीड ज्यादा करोगे तो उतना ही वो है कि आपकी इमेज क्वालिटी जरा थोड़ी बहुत वो होती है, डिक्रीज होती है। So it you have to balance it. अभी भी दुनिया में ज्यादातर डी स्पीड फिल्म ही चल रही है, बट इफ अगर आपको लेट सपोज एनाटॉमिक डिटेल इतनी अच्छी नहीं चाहिए, बस एक जल्दी से एक एक्सरे करवाने जस्ट नो के वहाँ स्टेटस क्या है, तो यू विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर एन एफ स्पीड फिल्म। लेकिन अभी भी इमेज क्वालिटी वाइज डी स्पीड फिल्म जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर, तो इसके मुताबिक मतलब ये है कि जो एक्सरे की एक्सपोजर टाइम है और एक्सरे की जो स्पीड है वो ट्यूब पर डिपेंड नहीं करती बल्कि एक्सरे की फिल्म पर डिपेंड करती है, am I right? जी जी जी, आपको अगर याद हो कंट्रोल पैनल में मैंने आपको कहा था कि एक ऑप्शन होती है वेर यू कैन इवन सेलेक्ट द पेशेंट फिल्म स्पीड सेलेक्टर, भी वहां एक ऑप्शन होती है, तो उसमें अगर आप ऑब्वियसली एक डी स्पीड फिल्म दे रहे होगे तो वो फिर वो एक्सरे ऑब्वियसली उसमें ऑटोमेटिकली ऑप्शन है कि भाई डी स्पीड को मैंने ज्यादा एक्सपोज करना है, लेकिन अगर आप एफ स्पीड फिल्म इस्तेमाल करोगे और एफ स्पीड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर कम देगा। जी सर, जी सर, ठीक है ना। जी डॉक्टर मेहर, हाँ, रेडिएशन एक्सपोजर कम होता है ग्रेटर सेफ्टी होगी डेफिनेटली फॉर द पेशेंट, ठीक है। अच्छा चलें, लेट्स गो अहेड। अच्छा, फिल्म्स को स्टोर कैसे करना है, मैंने आपको इतनी जो कहानी बताई कि भाई ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड रेडिएशन से भी फिल्म आपकी एक्टिवेट होती है और सब कुछ होता है, तो कैसे स्टोर करना है आपने, आपने बेसिकली इनको एक कूल ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है। ऑब्वियसली इवन हीट, बहुत ज्यादा हीट वाली जगह में भी अगर आप रखोगे तो उससे जो इसके ऊपर इमल्शन होती है या जो कोटिंग्स होती हैं वो खराब होती हैं, सो यू हैव टू स्टोर इट इन अ कूल ड्राई प्लेस, रूम टेम्परेचर हो तो दैट्स गुड, एंड अवे फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब किसी इवन अगर पैकेट में भी पड़ी हुई है तो आपने कोशिश करने फिर भी किसी दराज में रख दें, कोई क्लोजेट हो आपके पास, कोई ड्रॉर हो उसमें रख दें जहां ये लाइट वगैरह उस सबसे दूर हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम मर्क्यूरी कंटेनिंग केमिकल फ्यूम्स। ये पॉइंट थोड़ा मूट हो गया क्योंकि आजकल एवरीबडी जो भी अगर कोई अमलगम फिलिंग्स या कोई कर रहा है तो वो क्या कहते हैं उसके अमलगमेटर के थ्रू कर रहे हैं, हैंड मिक्सिंग या कुछ वो नहीं हो रही, तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज इनसाइड दैट मशीन, सो एज सच कोई मर्क्यूरी फ्यूम्स जो है उसका एक्सपोजर नहीं होता आपको, बट यू शुड नो कि टेम्परेचर से, रेडिएशन से एंड केमिकल से, तीनों से आपकी एक्सरे फिल्म जो है वो
एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थी आपकी रेडियोग्राफिक फिल्म्स, प्लेन फिल्म्स जो थी। अभी आजकल आप में से खुद भी काफी लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, अगर जो इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, आई एम श्योर दे नो अबाउट डिजिटल रिसेप्टर्स आजकल आए हुए। तो डिजिटल रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉलिड स्टेट सेंसर होता है और एक फॉस्फोर प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर वाला जो है आई एम पर्सनली यूजिंग दिस वन, दिस इज अ सॉलिड स्टेट सेंसर है। एंड ये जो नीचे वाली जो आपको नजर आ रही है, दीज आर फॉस्फोर प्लेट्स। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी सी वो होंगी मैं बात करूंगा। अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच साकिब। साकिब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आपको यहाँ शो किया हुआ है कि आजकल डी अगेन वही रेडिएशन एक्सपोजर और रेडिएशन प्रोटेक्शन वाली ही बात है कि जहां आप आपको आपने ऑब्वियसली रेडिएशन का डोज कम करना है, तो रेडिएशन का डोज कम करेंगे तो यू ऑब्वियसली हैव टू ऑप्ट फॉर मोर फिल्म्स व्हिच आर क्विकर, ई स्पीड फिल्म्स या एफ स्पीड फिल्म्स आपको चाहिए होंगी, सो दोज आर बेटर। इमेज क्वालिटी से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बुक्स में भी थोड़ी बात कहीं पे मुझे एक बात लिखी हुई कहीं पे दूसरी लिखी हुई मिली कि इमेज क्वालिटी फिर भी डी स्पीड की सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप एफ स्पीड फिल्म तक चले जाएं। तो कोशिश करें कि ऑलवेज यूज ई स्पीड या ई स्पीड से ज्यादा क्विकर फिल्म्स। ठीक है, अच्छा तो कमिंग बैक टू दिस, आपके पास एक इस तरह का एक सॉलिड स्टेट सेंसर होता है, ये यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है। के स्ट्रीम वाले जो कंपनी है ये बेसिकली ज्यादा वो करती हैं, बनाती हैं, इनकी ज्यादा रिलायबिलिटी है जितना मैंने सुना है। ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट ओवर है। एंड दूसरी जो है ये आपकी जो फॉस्फोर प्लेट्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इतना डिटेल में मैं इनके बारे में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट्स ऑल फिजिक्स वगैरह। तो ये जो आपके सॉलिड स्टेट सेंसर्स हैं, अगर आप इनको देख लो तो ये भी वेरियस साइजेस में आते हैं, जिसपे टेडी बेयर बना हुआ है वो ऑब्वियसली बच्चों के लिए है, एंड साइज वन एंड टू जो है वो ऑब्वियसली आपके अडल्ट्स के लिए होते हैं। तो इसके साथ आप नोट करोगे कि सेंसर के पीछे एक इस तरह की ये केबल लगी हुई है। ठीक है ना, तो ये केबल जो होती है दिस इज अराउंड अबाउट 1 to 2 meters लॉन्ग होती है, एंड ये जो है इस केबल के थ्रू ये बेसिकली हम इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, या हो सकता है वाईफाई के थ्रू भी आप केबल को कनेक्ट करवा सको। अब इट इज अ सेंसर है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो दिस इज नॉट ऑटोक्लेवेबल। ठीक है ना, इसको आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हो। सो इसको यूज करने के लिए इस तरह आपको करना होता है, यू हैव टू बाय एक्सरे स्लीव्स। एक्सरे स्लीव्स इस तरह प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो आपको इस पिक्चर में नजर आएंगे। ये हम बेसिकली इतना होता है कि ये सेंसर को लेके अबाउट आई थिंक 10-15 centimeters ऑफ द केबल को भी कवर कर लेता है, तो जितना पोर्शन पेशेंट के मुंह में जाएगा वो सारा प्लास्टिक से कवर्ड होगा, एंड आपकी केबल जो है वो गंदी नहीं होगी ड्यू टू द पेशेंट्स ओरल फ्लूइड्स। तो ये आपको जो एक्सरे स्लीव है ये आपको बस चेंज करना पड़ता है टू फॉर एवरी पेशेंट, एंड दीज आर नॉट एक्सपेंसिव। कोई आई थिंक 100 का पैकेट जो है आपको मे बी शायद 200-300 रुपए का मिल जाएगा। इट्स अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कोई ऐसी खास चीज नहीं है ये। ठीक है, तो लाइक आई सेड ये हो सकता है कि आपके एक्सरे ट्यूब हेड के साथ ही यहाँ पड़ा हो, या मोस्टली जितना जो मैं मॉडल मैं इस्तेमाल करूँ इट इज लाइक दिस। ये आपका वो सॉलिड स्टेट सेंसर है, ये पीछे वो केबल है 2 meter की, और ये उसके साथ एक USB केबल की कनेक्शन होती है। ये बेसिकली आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, इसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है विच यू हैव टू इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, एंड वो जो है वो आपकी सारी इमेज की प्रोसेसिंग वगैरह वो करता है आपकी। अच्छा, ये है PSP प्लेट्स। आप में से जो किसी डी वाले हैं, खैबर पर डेंटिस्ट्री वाले हैं, ये सिस्टम आप लोगों ने पेरियो में भी देखा होगा, एंड ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी हमारा ये सिस्टम था, एंड somebody जिन्होंने शायद अपने पेशेंट्स हमारे प्रिंसिपल ऑफिस या डीन साहब के ऑफिस में जो सर्जरी है उसमें अपने पेशेंट्स करवाए हैं, उन्होंने भी ये सिस्टम देखा होगा। ये जो सिस्टम होता है दिस इज कॉल्ड अ फॉस्फोर प्लेट। तो इसमें आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी होती हैं।
एक आपके पास ये होता है विच आर योर प्लेट्स, दीज आर कॉल्ड फॉस्फोर प्लेट्स, इस पे भी देखें वो साइजेस लिखे हुए 0, 1 and 2, ठीक है, तो इसमें भी वही बच्चों का साइज, अडल्ट्स का साइज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा आपके पास यूजली ये हैंडहेल्ड पोर्टेबल एक्सरे कैमरा के साथ आता है, एंड इसके साथ इस तरह होता है, आप नोट करोगे कि ये जो प्लेट्स हैं इनके साथ कोई केबल नहीं लगी हुई है, ठीक है, साइज इनका वही रेडियोग्राफिक फिल्म से सिमिलर होता है। इसमें अब ये है कि जो पीछे मैंने आपको सॉलिड स्टेट सेंसर दिखाया था, वो बेसिकली जैसे ही आप एक्सरे को एक्सपोज कर दोगे तो उसी वक्त कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, तो एट विद इन अ सेकेंड और टू वो आपको इमेज जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोड्यूस होके आ जाती है। इसका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, इसमें इस तरह होता है कि आप ये जो प्लेट्स हैं इनको भी आपने एक छोटे से प्लास्टिक बैग में रख के पेशेंट के मुंह में रखना होता है, एंड उसके बाद जब आप रख दोगे तो आप उसमें इस पोर्टेबल यूनिट से आप एक्सपोजर दे दोगे एक्सरे का, तो ये फिर प्लेट आपने पेशेंट के मुंह से निकाल देनी है और यू हैव टू पुट इट इनटू दिस मशीन, दिस इज कॉल्ड अ स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर जो आपका है ये कनेक्टेड होता है विद द लैपटॉप ऑफ द क्या कहते हैं लैपटॉप के साथ बेसिकली कनेक्टेड होता है। ये पुल वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो एक ड्रॉअर सा निकल आता है, उसमें आप ये एक्सरे को डाल देंगे एंड देन यू विल पुश इट एंड देन यहाँ आप बटन दबा देंगे तो वो खुद अपने आप की तरफ एक्सरे को खींच लेगा, एंड इट टेक्स अबाउट आई थिंक 20-30 seconds, कुछ बुक्स में इवन 90 seconds तक लिखा हुआ है, इट टेक्स अबाउट 90 seconds टू डेवलप द एक्सरे, वो फिर आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ जाती है। तो इमेज प्रोडक्शन इज नॉट इंस्टेंटेनियस, थोड़ा इस रिगार्ड में जरा स्लो है, एंड प्लेट्स ऑब्वियसली आप स्कैनर मशीन में इंसर्ट करोगे तो उसके बाद जो है आपकी इमेज जो है वो आपको लैपटॉप पे विजिबल नजर आ जाएगी, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द फिजिक्स कि भाई ये फॉस्फोर प्लेट में क्या वो होता है, बिकॉज इट वॉज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वट नॉट, एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वेबिनार मोर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं इसकी फिजिक्स वगैरह में इतना नहीं जाऊंगा। अब जो इमेज डेवलपमेंट है उस वो मैं सिर्फ आपकी रेडियोग्राफिक फिल्म्स पे फोकस करूंगा, नॉट ऑन द डिजिटल सेंसर्स लाइक आई जस्ट सेड, तो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वेबिनार वाज प्राइमरीली एम्ड एट अंडर ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स, हाउस ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने बेसिकली पढ़ी ही नहीं है आपकी रेडियोलॉजी, तो हम पीजी लेवल जो होते हैं हम फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो एट फॉर नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो एंड में मैं आई विल शेयर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई मेड दिस प्रेजेंटेशन एंड आप लोग यू कैन परसू इट इफ यू वांट। अच्छा, तो फिल्म्स की जो आपकी अभी हम मैं सिर्फ रेडियोग्राफिक फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, वो डी ई एफ स्पीड फिल्म्स उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनको डेवलप करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, द मोस्ट कॉमनली वन विच इज डन इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेसिंग, जो आपने अपने कॉलेजेस वगैरह में देखी होगी। ये जो है इट रिक्वायर्स 3 solutions विच आर कॉल्ड, एक डेवलपर सोल्यूशन होता है आपका, एक वॉटर होता है, एक फिक्सर होता है। हैंग ऑन, अच्छा ये तो अच्छा डॉक्टर अनीसा ये लेक्चर जो है दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इसके बाद होपफुली जो फर्दर वेबिनार्स मैं इस पे ऑर्गेनाइज करूंगा वो दे विल बी डीलिंग इंडिविजुअली विद पेरिपिकल्स, ओपीजीज, बाइट विंग्स, ऑक्लूजल्स, सीटीज वगैरह, तो वो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, बट दोज विल बी प्रोबब्ली फ्यूचर वेबिनार्स, मे बी हफ्ता 2 हफ्ते के बाद या समथिंग इस तरह का कुछ होगा। सो राइट नाउ आई एम जस्ट आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ उसके, एंड वो मैं करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। प्रैक्टिकल केसेस भी उसमें होंगे इंशाल्लाह, ऑब्वियसली मेरी कोशिश यही होगी कि जो मैं आपको यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी आपके करवाऊँ, बिकॉज इफ यू डोंट एक्सरसाइज देम तो कोई फायदा नहीं है फिर, ये सारी चीजें तो आप बुक्स में भी खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू बैलेंस द थ्योरी ऑफ इट with some practical cases, hands-on exercises as well, inshallah in the future webinars. अच्छा, तो ये 3 solutions होती हैं आपकी for chemical processing. तो ये जो आपका developer है और fixer है,
इनकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको. इसमें आई जस्ट फोकस ऑन वन और टू थिंग्स. वो ये है कि आपका जो डेवलपर है दिस इज बेसिकली अल्कलाइन इन नेचर, एंड जो आपका फिक्सर होता है दैट इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर. ठीक है, वो आप देख सकते हैं इसमें एसिटिक एसिड है, इसमें एसिड कोई एसिड नहीं है. ठीक है, और इसमें जो आपका फिक्सर में जो मेन एलिमेंट होता है दैट इज योर अमोनियम थायोसल्फेट, और जो डेवलपर में होता है दैट इज योर फेनिडोन. ठीक है, ये दो आपके वो होते हैं. बाकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसा क्या केमिकल इंटरेक्शंस हो रही होती हैं एटम मॉलिक्यूलर लेवल, उसमें मैं नहीं जा रहा आपके साथ. अच्छा, एक्सरे जो आप डेवलप करोगे तो उसमें होता क्या है, अब थोड़ा सा मैं आपको जरा अगेन दांत उसकी तरफ ले जाऊंगा. आपका जो टूथ है बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ रेडियोपेक एंड रेडियोलूसेंट पार्ट्स. ठीक है, आपका जो रेडियोपेक पोर्शन होता है दैट इज ऑब्वियसली योर एनामल एंड योर डेंटिन. ठीक है, एंड जो रेडियोलूसेंट पोर्शन होता है दैट इज योर डेंटल पल्प. ठीक है, तो जो जो एक्सरेज आपके डेंटल पल्प में से गुजरेंगे वो बिकॉज इट उसका इतना कैल्शियम कंटेंट वगैरह नहीं होता या वो इतना एक्सरेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो एज सच वो एक्सरेज डेंटल पल्प से निकल के बाहर निकल आ जाते हैं एंड दे टच योर एक्सरे. तो वो क्या करते हैं, वो एक्सरे बीम्स जो ऑलमोस्ट अपनी फुल एनर्जी के साथ आपके एक्सरे फिल्म के साथ लगेंगी, तो जो एक्सरे के ऊपर आपकी इमल्शन थी ऑफ सिल्वर हेलाइड वो उसको बेसिकली सेंसिटाइज कर देती हैं. ठीक है, या उनको मेरी एक्टिवेट कर देती हैं. तो वो जो एक्टिवेटेड या सेंसिटाइज सिल्वर हेलाइड इमल्शन होगी तो उससे आपका जो एक्सरे का फिल्म का कलर है वो जरा चेंज हो जाएगा. देखें इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अभी जरा थोड़ी सी वो हो गई है, चेंज हो गई है अभी. ठीक है ना, दिस वॉज ग्रीन, ये अभी थोड़ा ज्यादा लाइट ग्रीन हो गया. तो डेवलपर सोल्यूशन क्या करता है, जो दैट पोर्शन ऑफ द एक्सरे जो अब सेंसिटाइज हो गई है टू दोज एक्सरे बीम्स, वो उसको उस एरिया में केमिकल क्या कहते हैं केमिकल लेवल पे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कि जो आपका सिल्वर हेलाइड है वो अब कन्वर्ट हो रहा है थ्रू दिस एक्शन ऑफ द डेवलपर सॉल्यूशन इनटू ब्लैक मेटालिक सिल्वर. ठीक है, ब्लैक और ग्रे सिल्वर उससे बन जाता है. ठीक है, तो वो जो है दैट विल, इसलिए आपको वो चीज रेडियोलूसेंट नजर आती है. ठीक है ना, आई विल रिपीट इट अगेन, जिस पोर्शन पे आपके एक्सरे जो सिल्वर हेलाइड इमल्शन थी, जहां जो पोर्शन ऑफ द सिल्वर हेलाइड इमल्शन हैज बीन एक्टिवेटेड बाय एक्सरेज, बिकॉज वो ऐसे पोर्शन ऑफ द टूथ या टिश्यू से निकले हैं जो ज्यादा रेडियोलूसेंट है, जो एक्सरे बीम्स को इतना एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाता है एंड डेवलपर सॉल्यूशन इस एक्टिवेटेड पोर्शन में जो सिल्वर हेलाइड है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ब्लैक सिल्वर, ब्लैक मेटालिक सिल्वर. तो इसलिए आपको डेंटल पल्प जो है वो आपको ब्लैक नजर आता है, ब्लैक या ग्रेश नजर आता है. ठीक है ना, तो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द डेवलपर, इट हाईलाइट्स द रेडियोलूसेंट पोर्शन ऑफ योर डेंटल एक्सरे. ठीक है, आपने पहले डेवलपर में डाल दिया, उसके बाद हम इसको वॉशिंग के लिए वाटर में डाल देते हैं टू रिमूव द एक्सेस डेवलपर. वी हैव क्वेश्चंस ओवर हियर. ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, आई विल ट्राई टू शेयर दैट गूगल ड्राइव लिंक ऑफ इट इंशाल्लाह. ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, फिर वॉशिंग जब आपने कर ली तो तब आप इसको फिक्सर सॉल्यूशन में डालते हो. अब इसमें आप नोट करेंगे आपको शायद अनसेंसिटाइज्ड पोर्शन जो है ज्यादा नजर नहीं आ रहा, इस मैंने फॉर अ रीजन किया हुआ है कि जो आपके टूथ का वो पोर्शन होता है जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है लाइक योर एनामल लाइक योर डेंटिन, तो दैट पोर्शन डज नॉट अलाउ दैट एक्सरे बीम टू क्रॉस एंड टच द इमल्शन पार्ट ऑफ द एक्सरे. तो उस पोर्शन पे क्योंकि आपकी एक्सरे बीम्स लग नहीं रही हैं, तो उस पोर्शन पे क्या हो जाएगा, वो पोर्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा. जब वो पोर्शन एक्टिवेट ही नहीं होगा तो वो वाइट का वाइट रह जाएगा. तो सिल्वर जो आपका बेसिकली फिक्सर सॉल्यूशन होता है वो ये अनएक्टिवेटेड सिल्वर हेलाइड क्रिस्टल्स को हटा देता है एंड इट रिवील्स द वाइट पार्ट ऑफ द इमेज. सो दैट्स व्हाई
फिक्सर का काम क्या होता है? बेसिकली फिक्सर का काम ये होता है कि वो आपके रेडियोपेक पोर्शंस को बेसिकली डेवलप करता है, ठीक है? तो आफ्टर आप फिक्सिंग कर लो तो फिर हम इसको दोबारा वॉशिंग सोल्यूशन में डाल देते हैं, एंड इट इज यूज टू रिमूव द एक्सेसिव फिक्सर, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आपने इसको ड्राई करना होगा। अच्छा, केमिकल प्रोसेसिंग के तीन तरीके हैं, ये मैनुअली भी होता है, ये ऑटोमेटिक भी होता है, ये सेल्फ डेवलपिंग फिल्म्स भी होती हैं आपके पास। तो सैंपल इसकी टेक्निक जो आप मैनुअली करते हैं, इसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए होगा, यू नीड अ डार्क रूम। इसके अलावा आपको इस तरह दो कंटेनर्स चाहिए होते हैं, इसमें डेवलपर होता है, इसमें फिक्सर होता है। इसके साथ यहाँ आपको एक टाइमर रखना होता है, यू ऑल्सो नीड अ थर्मामीटर, ठीक है? तो सैंपल टेक्निक डेवलपर सोल्यूशन में पहले आप एक्सरे को खोल लोगे, इस एक्सरे हैंगर में डाल के आपने उसको 5 मिनट के लिए 20 डिग्रीज पे रखना है इसमें, ठीक है? देन जब इस तरह 5 मिनट हो जाए तो यहाँ साइड पे आपके पास वॉशिंग सोल्यूशन है, वाटर है, तो उसमें आप 10 सेकंड के लिए उसमें उसको डाल दो। आफ्टर दैट उसके बाद आपने इसको फिक्सर में डाल देना है, फिक्सर में आपने अगेन उसको 8 to 10 मिनट्स के लिए डाल देना है, एंड जब वो 10 मिनट हो जाए फिर आपने इसको अंडर रनिंग वाटर रखना है फॉर 10 to 20 मिनट्स, ताकि जो फिक्सर रेजिडुअल है वो हट जाए, और फिर आपने इसको ड्राई करने के लिए एक डस्ट फ्री एटमोसफेयर में रख देना है, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली मैनुअल प्रोसेसिंग के ड्रॉबैक्स आपको ऑटोमेटिकली पता लग गए होंगे। आपने एक एक्सरे टेक्नीशियन को रखना होगा, आपने अपने क्लिनिक या उसमें एक डार्क रूम भी सेटअप करना होगा, एक बंदे को कंटिन्यूसली आके चेक करना होगा कि भाई ये इतने टाइम के लिए इतने टेम्परेचर पे अभी तक पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, डेवलपर से निकाल के फिक्सर में डालना है, फिक्सर डाल के वॉश करना है। तो ऑब्वियसली इट बिकम्स टीडियस, एक बंदा आपका वैसे ही स्टाफ वाला इससे ऑक्यूपाइड होगा। तो यू ऑल्सो हैव ऑटोमेटिक मशीन्स फॉर दिस, ये बहुत पहले होती थी, अभी आजकल जितना मेरा ख्याल है ये इतनी नहीं इस्तेमाल होती क्योंकि इनकी मेंटेनेंस वगैरह जरा दिस रिगार्ड जरा मुश्किल होती है। तो बट दिस अगेन विल सेव यू फ्रॉम एलोकेटिंग अ डेडिकेटेड डार्क रूम या कोई एक्सरे टेक्नीशियन को हायर करना, उससे आपको ये बचा देगा। तो हाउ दिस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कैसे काम करती है, ये बेसिकली फीड ट्रे है, इसमें आप एक्सरे को डाल दोगे तो इसमें यहाँ ये रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है ना? तो ये एक्सरे को नीचे ले जाते हैं इनटू दिस डेवलपिंग सॉल्यूशन इसमें, और वापस ऊपर इसको पुश कर देते हैं टुवर्ड्स दिस फिक्सर। तो ये जो रोलर्स हैं बेसिकली आपके एक्सरे को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये उससे जो एक्स्ट्रा ये वाले साइड ऑफ द रोलर जो है ये इससे वो एक्स्ट्रा डेवलपर हटा भी रहे हैं, तो आपको बीच में वॉश करने की जरूरत नहीं होती। तो डेवलपर से होके फिर ये फिक्सर में चले जाएंगे, फिक्सर में भी इसी टाइप के रोलर्स होंगे, अब वो भी फिर आपको एंड में वॉश में डाल देगा। तो वॉश जब हो जाए फॉर दैट रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टाइम, अगेन दिस इज ऑल ऑटोमेटिक, इसमें आपको खुद कुछ इनपुट देने की जरूरत नहीं होती। तो देन फिर ये इस तरफ ये हॉट एयर ट्यूब्स की तरफ इसको पुश कर देता है। यहाँ इस मशीन में एक एयर फिल्टर होता है जिसके साथ एक ब्लोअर फैन और हीटिंग एलिमेंट होता है, तो ये यहाँ से गर्म हवा जनरेट करके इन छोटी ट्यूब में पुश कर रहा होता है। तो यहाँ से जब आपका एक्सरे होके जाएगा till the time it drops off, so it should be inshallah completely dry. So this is how basically an automatic machine works. ठीक है? अभी आपने देखी होगा कि भाई ये तो काफी cumbersome काम है, या तो एक्सरे रखना है या बड़ी मशीन लेनी है, तो क्या करें? If you let's suppose cannot afford a digital system जो आपका है those are a bit expensive. ये solid state sensor, the one that I'm using, I think I got it for 1.5 lakhs का था। तो इसमें बस ये कि ना मुझे डार्क रूम चाहिए, ना मैंने कोई डेडिकेटेड बंदा रखना है एक्सरे के लिए, ना मुझे फिक्सर या डेवलपर की पैसे देने या कुछ और करना है, नथिंग लाइक दैट। एंड ना मशीन की कोई अपकीप है, कोई ऑटोमेटिक मशीन है मेरी वो खराब हो गई है, नथिंग लाइक दैट। द ओनली कंटिन्यूइंग एक्सपेंस आई हैव इज बाइंग दोज एक्सरे स्लीव्स एंड दैट्स इट, ठीक है ना? So let's suppose if you can't afford it, phosphor plates के बारे में बताया नहीं, वो सिस्टम भी ज़रा expensive है। इसमें जो सिर्फ एक्सरे है, जो पोर्टेबल एक्सरे होता है, वो अलोन दैट विल जस्ट कॉस्ट यू अबाउट मे बी 2 to 3 lakhs, सिर्फ जो पोर्टेबल कैमरा है। तो मेरे एक दोस्त ने करवाया, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो 3 surgeries थी 3 operatories थी, तो वो नेटवर्किंग भी करवाई थी, सब कुछ किया, तो हमारा तकरीबन 6 लाख का खर्चा आया था उस पर।
So in case if you feel ke right now you don't need such a hi-fi system, so what you can do is ke aajkal self-developing films aayi hui hain, ye Yes Star wali and ye Pakistan mein available hain, and these just cost koi 3,500-4,500 ki hoti hain. So iski ye kaise kaam karta hai? Isme jo hai, you basically aap you only have one solution, which is called a dental X-ray monobath. Isme aapka developer fixer dono maujood hote hain, and iske saath you get about 50 or 100 X-rays as well. So just to explain how this works, ये एक छोटी वीडियो है, ये मैं यहाँ चला दूंगा, इसमें ऑडियो नहीं है, ठीक है? तो ये जरा क्विकली देख लेते हैं. You basically take a disposable syringe और इससे आप एक 3 to 5 ml of solution निकाल देते हैं from this monobath, ठीक है? ये आप withdraw कर दोगे. जो लिक्विड अगेन वो आपने रूम टेम्परेचर पे रखे हैं ताकि इसकी डिटोरिएशन ना हो. अब आपने एक्सरे फिल्म में एक छोटा सुराख कर देना है उसके साथ, इसी सिरिंज के साथ, और उसके ऊपर उंगली रख लें ताकि सोल्यूशन बाहर ना निकले, और ये सारा सोल्यूशन इस एक्सरे फिल्म के अंदर आपने फोर्स कर देना है, ठीक है? तो जहां आपने सुराख किया उसके ऊपर उंगली रखें ताकि सोल्यूशन एस्केप ना हो, एंड दूसरे हैंड के साथ आपने इस एक्सरे के ऊपर वो सोल्यूशन सारा स्प्रेड करना है, ठीक है? So this takes maybe 1 or 2 minutes, कुछ जगहों पे 5 minutes भी लिखा हुआ है. इसको आप नीट इस तरह करते रहो, एंड देन आप फिल्म पैकेट को जो है आप फिर ओपन कर लोगे, और 90 सेकेंड्स के लिए आप इसको रनिंग वाटर के अंडर रन करो ताकि वो जो मोनोबाथ का सोल्यूशन था वो सारा इसमें से निकल के आ जाए, ठीक है? ये आप देखें, ये जो वो ग्रीन एक्सरे था वो अब सारा ब्लैक हो गया, and this is how it looks like. ठीक है? अच्छा, all right. 2 minutes हैं इस मीटिंग के खत्म होने में, so if you have any questions, just wait a minute or two. ये मीटिंग खत्म हो जाए तो I can do them. या if you have don't have any questions, तो फिर बस मैं मीटिंग ही खत्म कर दूंगा. अच्छा, डॉक्टर उफक का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्या रेडियोग्राफिक प्रिकॉशंस आपने रखी हैं? ये आई थिंक आई विल प्रोबब्ली गेट टू एक्सप्लेन बेटर जब मैं कोई पेरिफेरल्स या उसकी वो कर रहा हूँ. लेकिन अगर आपको जनरल प्रोटोकॉल दे दूं तो यू शुड हैव अ लेड शील्ड फॉर द पेशेंट, एंड बुक्स रिकमेंड करती हैं कि चाहे पेशेंट प्रेगनेंट हो या ना हो, आपने उनको थायराइड कॉलर भी पहनाना है, बिकॉज आपकी कुछ ना कुछ एक्सरेज जो हैं वो उसके थ्रू एस्केप वो थायराइड को एक्सपोज होती है. सो यू पेशेंट शुड हैव अ लेड शील्ड ऑन एंड शुड डेफिनेटली आल्सो हैव अ थायराइड कॉलर ऑन. तो एक्सरे आप कर सकते हो फॉर सिंगल पेरिफेरल एक्सरे, दे से रेडिएशन डोज इज लेस देन द नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन जिसको आप वैसे भी नॉर्मल एवरीडे एक्सपोज होते हो. तो वो कहते हैं कि भाई सच कुछ वो स्पेशल प्रिकॉशन इसके लिए नहीं है. But again, you'll get conflicting advice from people about this. My advice would be if that आप कोशिश करें कि एक्सरे की बीम की जो डायरेक्शन है, it should be away from the abdomen, away from the womb, and lead shield आपने पेशेंट को पहनाई हो, तो you can safely take X-rays. ऐसी जो है कोई बात नहीं. फ्यूचर वेबिनार्स आई एम श्योर आप लोग ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके थ्रू ही आप लोग ज्वाइन हुए हो, तो मैं उसी में ही अपडेट करता रहूंगा इंशाल्लाह. सो जस्ट कीप एन आई आउट ऑन दैट, और ये जो बाकी TMOs के ग्रुप्स थे उसमें भी इंशाल्लाह वो मैं अपलोड करता रहूंगा. सिंस दिस इज अ ट्रेडिशनल एक्सरे, तो ऑब्वियसली डिजिटल एक्सरे जितनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं होगी ना इसकी. तो लाइक आई सेड, बेस्ट वन आर द डिजिटल वंस. उसमें आप कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस, सब चीज को एनहांस या वो कर सकते हो, तो दैट इज द बेस्ट वन. ये वाली जो है ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव दैट मच फाइनेंसेस वगैरह, तो वो दैट प्रॉब्ली वोंट बी अ गुड